गाइस वेलकम टू माय चैनल श्रोता किचन एंड फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरा आदि भी ठीक है। आज है गुरुवार, मार्गशीर्ष मासो पहला गुरुवार है ये मेरा, मतलब पहला गुरुवार मैं करती हूँ। शायद एक गुरुवार सब लोग कर चुके होंगे, लेकिन मैं फर्स्ट गुरुवार अभी कर रहा हूँ। तो मैंने पूजा वगैरह सारा ख़त्म कर चुकी हूँ। रात में उठ के मतलब 5 बजे शायद मैंने उठा था, नहीं 5 बजे नहीं, 4:30 बजे मैंने उठा के सारा मतलब घर का साफ सफाई, ऊपर से नहा के पूजा वगैरह सारा करा चुकी हूँ मैं। तो चलिए, मुझे तो इतना पूजा वगैरह नहीं आती है, मतलब गांव में मायके में मेरी माँ कर लेती थी और ससुराल में मेरी सास कर लेती थी पूजा। तो उनके पास से मैं थोड़ा बहुत जो सीखी हूँ वही मैं पूजा करी हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देती हूँ मैं किस तरीके में पूजा करी हूँ। और मार्गशीर्ष का पहला जो गुरुवार है ना, आज बहुत खुश हो रहा है क्योंकि आज गुरुवार है और पूजा भी करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने गाना भी लगाया है, लक्ष्मी पुराण मैंने वो गाना भी लगाया, बैठ के देख रही थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके में पूजा करी हूँ। ऊपर से भगवान का पूजा वगैरह भी मैं सारा करा चुकी हूँ। तो आज तो गुरुवार है, ऊपर से कुछ खाना वगैरह तो नहीं खाऊंगी। तो मैं तो नहीं खाती हूँ, कोई खाता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। जैसे कि फल वगैरह ये सारा मैं खाती हूँ, ऐसे नहीं कि पूरा खाना नहीं खाती हूँ, ऐसे कि फल वगैरह ये सारा मैं खाती हूँ। तो चलिए देखते हैं पूजा में किस तरह, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई पूजा करने के टाइम क्योंकि जल्दी नहीं थी पूजा करने, मतलब सुबह उठ के फूल कोई पकड़ने वाला है नहीं था। तो फूल पकड़ के पूजा करना पॉसिबल नहीं होगा सोच के मैंने वीडियो नहीं बनाया। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँ, क्योंकि अभी तो 4 गुरुवार भी करना पड़ता है, तो एक गुरुवार तो मेरा पहला हुआ है, तो और भी गुरुवार है। तो पॉसिबल होगा तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं किस तरीके में पूजा करती हूँ। तो आज थोड़ा मैं दिखा देती हूँ जैसे कि पूजा किया। यहाँ पे इतना सामान कुछ मिलता नहीं, जिसे सामान मिलता है उसी सामान से मैंने पूजा किया। और इतना ज़्यादा भी मुझे पूजा वगैरह नहीं आती है, जितना भी आती है उतना भी मैं करती हूँ। लक्ष्मी माँ को पसंद मेरी पूजा आई होगी। तो चलिए देखते हैं मैं किस तरीके में पूजा करती हूँ। पसंद आएगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, पास में जब बजना उसको तो देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज कुछ खाना वगैरह मैं नहीं शेयर करूँगी क्योंकि आज गुरुवार है, कुछ खास मैं वगैरह नहीं बनाऊँगी, ऊपर से मेरे उपास है इसलिए। तो हस्बैंड के लिए सिर्फ मसाला चावल बनाऊँगी और थोड़ा सा भाजी वगैरह ये सब बनाऊँगी और बाकी कुछ नहीं बनाऊँगी। तो चलिए पूजा में देखा देती हूँ आपको, उसके साथ उसके बाद मैं आपके साथ बात करूँगी क्योंकि बात करने के लिए बैठूँगी ना बहुत ज़्यादा बड़ा भी प्लस हो जाएगा और आप देखने में भी बोर हो जाओगे। तो उससे पहले क्यों ना थोड़ा देखा देती हूँ मैं। और आज तो गुरुवार लाइट भी कट होने वाला है, अब तक तो कट नहीं हुआ है, पता नहीं कट होने वाला है क्योंकि गुरुवार के दिन लाइट कट होता है। उससे पहले चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा देखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं घर के सामने से मैंने पूजा किया है, जितना आती है उतना ही किया है मैंने। कैसा लग रहा है जरूर बताना। यहाँ पर चले मैं आप लोगों को मेरे भगवान की पूजा कर ली मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा मंदिर है, किस तरीके में मैंने पूजा किया। यहाँ पे ना धान, जैसे कि गांव में लंबी वाला झाड़ वाला धान मिलता है, यहाँ पे इतना नहीं मिलता है वो धान, तो खुला वाला मिलता है पकड़ वाला। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देखिए तो खुला वाला मिलता है। तो इसी तरीके में मैंने आज लक्ष्मी माँ का पूजा किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने किस तरीके में पूजा किया है, आपने देखी मैंने किस तरीके में पूजा किया है। मतलब इतना तो नहीं आता है, जितना आते है उसी हिसाब से मैंने पूजा वगैरह सारा कर ली। तो यहाँ पे ना जो धान के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पे जो धान गांव में जैसे कि झाड़ बहुत जो लंबा वाला झाड़ होता है ना वो मिलता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा भी आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो धान वगैरह नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से मुझे 2 पैकेट मिला, वो भी खुला वाला, मतलब जैसे कि चावल होता है जो खुला वाला ना उससे ही खुला वाला मुझे मिला, बड़ी मुश्किल से भी मिला है। चलो मैं अच्छी बात खुश भी हो गई क्योंकि बहुत मुश्किल से भी तो धान मिले, लेकिन यहाँ पर तो धान वगैरह कोई तो इतना नहीं होता है, तो बड़ी मुश्किल से भी मिल गया। यहाँ पे आम का जो डाल गांव में क्या है ना, हर किसी के घर पे आम का जो झाड़ होता है आम जाके तोड़ के लेके आ जाते हैं। यहाँ पे एक आम के झाड़ किसके पास लाने जाओ ना तो पहले उसको पूछना पड़ता है, उसके बाद लेके आना पड़ता है, ऐसे कोई देता ही नहीं, कोई कोई तो मना कर देते देने के लिए।
तो मेरी हस्बैंड उनके कंपनी से था मतलब झाड़, तो वहाँ पे सो वो लेके आए थे आम का जो झाड़। तो आपने तो देखा मैंने किस तरीके में आज गुरुवार पूजा किया है। और गुरुवार के लिए तो कुछ खास मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि उपास है, तो हस्बैंड के लिए बनाऊंगी खाना वगैरह, थोड़ा इतना खास नहीं बनाऊंगी, आपके साथ शेयर भी नहीं करूंगी। तो ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। गुरुवार के दिन मैंने इस तरीके में पूजा किया है, वो आपको जरूर पसंद, अगर पसंद आएगा होगा ना तो जरूर एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, पास में जरूर करना, उसको क्या कर देना सब्सक्राइब जरूर करना, बिना सब्सक्राइब करके बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आपके सपोर्ट की मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसे सपोर्ट करते रहे, ऐसे बहुत पैसा देते रहे, तो और आगे जा पाओ और नया नया ब्लॉग आपके पास लेके आऊँ, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत सारा भरपाई वह देते रहिए मैं आपको, और क्या चाहूँ, जो मम्मियाँ मुझे देख रही हैं तो जो आज गुरुवार पूजा कर रही है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आप किस तरीके में पूजा करती हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम में पूजा करूँगी आपके तरीके में पूजा करने के लिए कोशिश करूँगी। अगर कुछ भूल वगैरह भी रही हुई ना तो भी मुझे बताओ, तो मैं नेक्स्ट टाइम और सही करूँगी। तो चलिए ब्लश ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, यहीं पर रखूँगी ब्लश, छोटा सा ब्लश आए जरूर पसंद आएगा। तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।